तो आप सोचिए कि बैकवर्ड क्लासेस का वो रिप्रेजेंटेशन मिले, शिक्षा में मिले, नौकरियों में मिले, भिन्न भिन्न नौकरियों में मिले, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर में हमारे अधिकार मिले। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये अधिकार ब्राह्मण देना नहीं चाहता है, तो फिर हम कैसे कहें कि हम भी हिंदू तुम भी हिंदू? किस आधार पर कहें? क्या तुम हमारी सिर्फ इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहे? क्या इतना भी समझ हमारे लोगों के अंदर नहीं नहीं है? इसीलिए हम लोग इनफॉर्मल तरीके से पूरे देश भर में बताने का काम साथियों कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देश में जो दंगे हो रहे हैं, क्या सिर्फ ये दंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पर होते हैं, या फिर ये दंगे हिंदू हिंदू के बीच में होता है, या ये दंगे मुसलमान मुसलमान के बीच में भी होते हैं, या वो दंगे जाति आधारित भी हो सकते हैं? क्या वो दंगे जाति और संप्रदाय के बीच में भी हो रहे हैं? मैं ये जो आपको एक थोड़ा सा डायनामिक पर्पस के आधार पर इस विषय के ऊपर जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या ये दंगे जो देश भर में संप्रदाय पर होते हैं, वो दंगे आपके जिला लेवल पर भी हो सकते हैं, राज्य स्तर पर भी, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, लाखों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, मर रहे हैं। लेकिन दरअसल आप देखेंगे इस संप्रदाय को, संप्रदाय आधारित दंगे को, तो मुख्य रूप से लोग दो ही कैटेगरी में इसको लेते हैं, पहला हिंदू के नाम पर और दूसरा मुसलमान के नाम पर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि देश में जो दंगे अक्सर होते हैं वो बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड के खिलाफ में दंगे हो रहे हैं। एक वो बैकवर्ड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत जो हिंदू की श्रेणी में वर्ण व्यवस्था में चौथी पायदान पर आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उसके नीचे जो शूद्र है, और शूद्र में जो 6,743 जातियां हैं वो बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड यानी कि पिछड़े बनाम पिछड़े का ये दंगे और फसाद हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि नहीं पिछड़े बनाम पिछड़े का दंगा? ओबीसी पिछड़ा है, एससी एसटी भी पिछड़ा है, और दंगे किसके बीच में हो रहे हैं? तो उधर से जो मुसलमानों में जो अपर कास्ट के जो मुसलमान हैं, विशेषकर शेख सैयद खान पठान, और उस पर उसको अगर 5% 3-4% ही उसकी पॉपुलेशन है, अगर हम उसको माइनस कर दें तो सारे बैकवर्ड क्लासेस के मुसलमान इस देश के मूल निवासी हैं। तो उधर के भी मूल निवासी बैकवर्ड है और हिंदू आदि मूल निवासी भी बैकवर्ड हैं, और दोनों बैकवर्ड के बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड की यह संप्रदाय आधारित दंगे और फसाद बड़े पैमाने पर देश में हो रहे हैं। दरअसल हमारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि हम बैकवर्ड में भी बैकवर्ड है या नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी हैसियत कितनी है, हम किस पायदान पर हैं, किस लेवल पर हैं, किस वर्ण में आते हैं, किस जाति में आते हैं, किस समुदाय में आते हैं, ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। और हमारे लोग बड़े बड़े दंगों में उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे ही दंगा जब होता है तो ब्राह्मण क्या करता है, वो हमारे लोगों को एक संगठित करता है, यूनाइट करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मिन्स। बड़े बड़े दंगे और जो फसाद होते हैं साथियों, उसमें जो ब्राह्मिन्स क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं कि वो यूनाइट करते हैं हमारे लोगों को अंडर द लीडरशिप ऑफ हिंदू, नॉट द लीडरशिप ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी। वो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर यूनाइट नहीं करते हैं, वो हिंदू के नाम पर लोगों को संगठित करने का काम करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों। और जैसे ही लोग हिंदू के नाम पर संगठित होते हैं वो दंगों में मारे जाते हैं, और जब दंगों में मारे जाते हैं तो मीडिया अगला दिन खबर छापती है कि पच्चू यादव मारा गया, गजोधर महतो की मृत्यु हो गई, अरे ये तो राम था, अरे ये तो धोबी था, रजक था, अरे ये तो पासवान था। तो दंगे के पहले हिंदू, दंगे के बाद आपकी जाति वहाँ आ जाती है। लेकिन आप समझते क्या हैं कि हम सिर्फ दंगे में
हिंदू के नाम पर जिएंगे और हिंदू के नाम पर मरेंगे। उधर का भी जो मुसलमान है, जो कम्युनल टेंशन को बरकरार रखने का हमेशा काम कर रहा है, वो अपर कास्ट का मुसलमान ये नहीं चाहता है, अपर कास्ट का क्रिश्चियन भी नहीं चाहता है, चाहे एंथोनी हो, चाहे डिसूजा ब्राह्मिन्स के क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म में जिन जिन धर्मों में ब्राह्मण लोग प्रवेश किए हैं, वो ब्राह्मण नहीं चाहता है कि इस देश के मूल निवासी लोग एससी एसटी ओबीसी के नाम पर यूनाइट हो, मूल निवासी कंसेप्ट बहुजन के नाम पर यूनाइट हो, शूद्र अति शूद्र के नाम पर भी यूनाइट हो, वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि बस वो हिंदू के नाम पर संगठित हो, और जैसे ही वो अपनी राजनीतिक के लिए भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आज हिंदू जो शब्द है दरअसल एक पॉलिटिक्स का शब्द हो गया, एक राजनीतिक का। आज़ादी से पहले जिस प्रकार का हिंदू का जो कंसेप्ट था ब्राह्मणों के द्वारा, जो समाज जीवन में जो प्रचलन में था, वो हिंदू का कंसेप्ट कुछ अलग था, लेकिन धीरे 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 उस हिंदू को पोलराइज करके, ध्रुवीकरण करके उसको राजनीतिक हिस्सा बना दिया है ब्राह्मण लोग, और उसको राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे कि प्रियदर्शी, तुम ऐसा कह रहे हो कि ब्राह्मण हिंदू शब्द पर राजनीति कर रहा है, ऐसा कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ, जब भी देश में लोकसभा का इलेक्शन आता है, जब भी देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन के समय राज्य और देश में दंगे होते हैं और वो पोलराइज करते हैं हिंदू के नाम पर, या फिर गाय गोबर गणेश गांधी गोबर के ऊपर ये करेंगे, या फिर वो उधर कश्मीर का लव जिहाद के मुद्दे के ऊपर करेंगे, या फिर विभिन्न प्रकार के मुद्दे के ऊपर वो जो कम गाय के ऊपर करते हैं। तो गाय तो एक राजनीतिक है तो एक जानवर, लेकिन राजनीतिक के रूप में गाय का इस्तेमाल वो करते हैं हर राजनीतिक हर इलेक्शन के समय। और यह जानकर आश्चर्य लगेगा कि मैं आपको कुछ सिर्फ थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो इलेक्शन था 2019 का, 2019 के इलेक्शन के समय में पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा हमला हुआ। 2014 का जब इलेक्शन था देश में, तो 2014 से पहले 2013 में बोधगया में बम विस्फोट हुआ। अरे बम विस्फोट करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, ये आरएसएस के ही लोग थे, ये प्रायोजित उनका षड्यंत्र होता है हर चुनाव से पहले। वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों के अंदर में कि मैं दंगा करूंगा हिंदू के नाम पर, तो हिंदू का सारा जो ध्रुवीकरण है वोट है हमारे लोग कहाँ चले जाएंगे, तो बीजेपी और जो कट्टर जो हिंदूवादी होंगे उसके इर्द गिर्द चले जाएंगे। जब 2009 का जब लोकसभा का जब इलेक्शन था, तो 2009 के समय में भी आपने देखा होगा वो जो 2008 के आसपास मुंबई में जो ताज होटल और नरीमन कौन सा हाउस था सर, वो ताज होटल और हाँ उस होटल में जो हमले हुए, तो उस पर भी ये प्रायोजित हमले थे, और ये प्रायोजित हमले कोई और नहीं, वो आरएसएस के लोग ही कर रहे थे। इस पर जो है आप कहेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं कि ये आरएसएस के लोग ही ऐसा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेमंत करकरे नाम का एक आईजी जो है वो महाराष्ट्र, वो किसी पुलिस विभाग में उसी उच्च पोस्ट पर थे, वो हेमंत करकरे वो ब्राह्मण ही थे, और वो कई सारा शोध कर चुके थे, कई सारा वो खोज जब करना शुरू किए ये दंगे फसाद का, तो उसमें कई सारे लोग आरएसएस के लोग उसमें धराए, उसमें प्रवीण तोगड़िया का भी नाम था, उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों का नाम उसमें शामिल था, आरएसएस के ही लोग थे। ये क्या नाम है उसका, ध्यान में नहीं आ रहा है नाम में, ये सारे पांच छह ब्राह्मणों का नाम हेमंत करकरे उस पर निकाल चुके थे और उस पर कार्रवाई भी कर रहे थे, और उसके बावजूद जब 2009 में 8 का ये घटना जब घटती है, तो हेमंत करकरे को साथियों जानबूझ करके मारा गया, और हेमंत करकरे को जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट दिया गया था, उस जैकेट में वो डायगोनल गोली इस पर लगा था ऐसे इस तरह से, ये जो गोली का जो डायरेक्शन था वो ऊपर से नीचे था, ना कि ऐसे ऐसे था गोली का डायरेक्शन,
और वो बुलेट प्रूफ जैकेट, वो डुप्लीकेट जैकेट जो है ब्राह्मणों ने ही प्रयोजित ढंग से उसको दिलवाया और हेमंत करकरे को भेज करके और हेमंत करकरे मारे गए। आज भी उसकी पत्नी जो है वो न्याय मांगने के लिए वो दर दर की ठोकर खा रही है महाराष्ट्र में। तो ये सच्चाई है कि आपको जानना चाहिए कि वो जो दंगे और फसाद जो बड़े स्तर पर जो हुए, साबरमती एक्सप्रेस में जो बम विस्फोट हुआ उस पर में उसमें भी आरएसएस के लोग कई लोग उसमें धरा है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब जब इलेक्शन होता है, जब जब चुनाव होता है तो हमको ब्राह्मण यूनाइट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मिन्स, यानी हमको हिंदू के नाम पर, और उसके अंदर जो लीडरशिप है वो ब्राह्मण्स करता है। अगर आप जाति के नाम पर यूनाइट होते हैं तो जाति का नेता बनता है। अगर आप यादव जाति के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं, यादव महासभा के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं, कोयरी कुर्मी चमार महासभा के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं तो चमार उसका सदस्य होता है, धोबी उस महासभा का सदस्य होता है। यादव महासभा के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं तो यादव उस महासभा का सदस्य होता है, यादव उसका अध्यक्ष होता है, यादव ही उसका नेता बनता है। लेकिन जैसे ही धर्म के नाम पर यूनाइट करेंगे, ब्राह्मण हजारों सालों से हिंदू धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, धर्म के नाम पर यूनाइट करेंगे तो नेता ब्राह्मण बनेगा। जाति के नाम पर यूनाइट करेंगे तो जाति के हाथ में नेतृत्व आता है। कम्युनिटी बेस पर लोगों को यूनाइट करेंगे तो शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी है जिसमें पूरे देश भर में 1900 जातियां हैं। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी जिसमें 750 जातियां हैं पूरे देश भर में, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको ओबीसी कहते हैं उसमें 3743 जातियां हैं। तो अगर जाति के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं तो एक सीमित दायरे में यादव जाति के हाथ में नेतृत्व आता है। कोयरी कुर्मी तेली बढ़े गवार धोबी चमार के हाथ में नेतृत्व आता है। लेकिन जैसे ही उस जाति को अगर हम धर्म के नाम पर संगठित करते हैं तो ब्राह्मण 4000 वर्षों से धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, नेता ब्राह्मण बने धर्म के नाम पर अगर लोगों को संगठित करते हैं। इसीलिए इस देश में ब्राह्मण क्या चाहता है कि पोलराइज लोग हो, हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। लेकिन हिंदू सिर्फ कहने का और हमारे अधिकार देने का नहीं। कैसे? अभी ये जो यादव जी थे हमारे त्रिपुरा के डीएम, क्या यादव नाम था उनका, शैलेंद्र यादव, जो अभी एक ब्राह्मण को एक थप्पड़ कम पट्टी में उसको जोर से मारे थे जो पूरे देश भर में ब्राह्मण लोग बवाल खड़ा कर दिया। तो आप देखेंगे कि वो एक ब्राह्मण को मार रहे हैं, एक ब्राह्मण को डीएम जो है वो थप्पड़ मार रहे हैं, और थप्पड़ मारने के बाद जो प्रतिक्रिया ब्राह्मणों में हुआ वो किस आधार पर प्रतिक्रिया हो रहा है तो आप देखेंगे। एक दिल्ली का, एक आरएसएस का कोई विंग का एक ब्राह्मण था मिश्रा उसरा। अब वो ब्राह्मण क्या कर रहा है कि डीएम के पास शैलेंद्र यादव के साथ फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि तुम जैसे ही अपने पोस्ट से बाहर आओगे तुम्हारे तुम कुत्ते की तरह मारे जाओगे। एक ब्राह्मण जो है डीएम को फोन पर धमकी दे रहा है कि तुम जैसे ही अपने पोस्ट से अपने एरिया से बाहर जाओगे तुम कुत्ते की तरह मारे जाओगे। वो बोल रहा है उसको कनपट्टी में तो एक थप्पड़ लगाएंगे, उसको और लगाएंगे, वो भी डीएम वैसे ही कि उसको और लगाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक डीएम और वो भी यादव बैकवर्ड का डीएम एक ब्राह्मण को थप्पड़ मार रहा है, ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक डीएम यादव बैकवर्ड भगवाधारी ब्राह्मण को लपड़ झपड़ मार रहा है, ये महत्वपूर्ण था और ये उन लोगों के धर्म और वर्चस्व के खिलाफ में था। इसलिए पूरे देश भर में बगावत जो है ब्राह्मण लोग करना शुरू कर दिए। और आज भी YouTube में है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि हम हवा में कुछ बातें कर रहे हैं और आपको हवा में सुना रहे हैं बात। आप सोशल मीडिया में देखिए उसका जो यूट्यूब पर जो डिबेट है, जो ब्राह्मण डीएम से बात कर रहा था उसका आप जब सुनिएगा, सारे ब्राह्मण का कमेंट हम पढ़ रहे थे, सारे ब्राह्मण का कमेंट। तो क्या ब्राह्मण लोग बोल रहे जानते हैं कि मोदी जी जिस तरह अपने गुजरात में दंगा करवाया, इन हरामियों को, इन सालों को मारा है, उसी तरह त्रिपुरा में भी करा। आप सोचिए, आप थोड़ा सा एक बुद्धि पर अपना जोर डालिए कि दंगा वहाँ पर हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, लेकिन एक ब्राह्मण ये बोल रहा है कि जिस तरह आपने गुजरात में करवाया उसी तरह से आप त्रिपुरा में भी कराओ। मतलब ब्राह्मण हिंदू के खिलाफ में कर्म काम कर रहे हैं।
अगर आपको हिंदू मान रहे हैं तो हिंदू हिंदू के खिलाफ में दंगे के लिए आपको क्यों तैयार कर रहे हैं, आपको क्यों उकसा रहे हैं? वो डीएम का हिंदू नहीं है, वो भी डीएम हिंदू है, तो तुम हिंदू के खिलाफ में तुम षड्यंत्र कर रहे हो। तो साथियों आपको समझना चाहिए वो हिंदू के खिलाफ नहीं, बाइकवर्ड एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको अपने राजनीतिक के रूप उसके अपने राजनीतिक के लिए सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल करने का और बाद में यूज एंड थ्रो कर देने का, उसको फेंक देने का वो नीति अपना रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। जब बाइकवर्ड क्लासेस के ओबीसी का मंडल कमीशन का जब आंदोलन चल रहा था 1992 में, तो उस समय बाम से 1,00,000 पर्चा पूरे देश भर में छापी थी, और आर.एल. चंदापुरी जो बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पटना में बुलाए थे भाषण देने के लिए, जैसे ही पटना के गांधी मैदान में बाबा साहब का सिर्फ भाषण शुरू होने वाला था 1954 में, वैसे ही लाठी डंडा और पत्थर बरसना शुरू हो गया और वो कार्यक्रम फेल हो गया था। वो आर.एल. चंदापुरी ओबीसी के थे और बाबा साहब को ओबीसी के रिजर्वेशन के ऊपर 1954 में बुलाए थे। उसी से प्रेरित होकर के जब ओबीसी के लोगों ने जब मूवमेंट चलाया, विशेषकर लालू साहब ने भी जब चलाया कांशीराम साहब ने, तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो मंडल का आंदोलन था, बाइकवर्ड क्लासेस के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंदोलन था, और उसको डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान करने के लिए अटल आडवाणी के माध्यम से इस देश में कमंडल का आंदोलन चलाया गया और बाइकवर्ड क्लासेस का मूवमेंट डाइवर्ट करके कहाँ धकेल दिया गया, कमंडल में। तो आप सोचिए कि बाइकवर्ड क्लासेस का वो रिप्रेजेंटेशन मिले, शिक्षा में मिले, नौकरियों में मिले, भिन्न भिन्न नौकरियों में मिले, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर में हमारे अधिकार मिले, बाइकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये अधिकार ब्राह्मण देना नहीं चाहता है, तो फिर हम कैसे कहें कि हम भी हिंदू तुम भी हिंदू? किस आधार पर कहें? क्या तुम हमारी सिर्फ इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहे? क्या इतना भी समझ हमारे लोगों के अंदर नहीं नहीं है? इसीलिए हम लोग इनफॉर्मल तरीके से पूरे देश भर में बताने का काम साथियों कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हम जो लगा रहे हैं ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, ये एकेडमिक नहीं है, ये अनएकेडमिक एजुकेशन है। अकादमिया का जो सिलेबस आप पढ़ते होंगे उसे पढ़ करके आप बहुत सारे नौकरी में जा सकते हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन अभी प्रोफेसर साहब एक हमारे थे ना, वो बोल रहे थे अकादमिक शिक्षा के बारे में उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ रोजगार तक ही आप सीमित जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम हम लोग पूरे देश भर में चला रहे हैं ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है, ये अनएकेडमिया है, ये एकेडमिक संस्थान का कोई सिलेबस नहीं है, हम लोग अनएकेडमिक सिलेबस को पूरे देश भर में बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस देश का शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइबल और बैकवर्ड क्लासेज और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग देश के मूल निवासी हैं, और जिस दिन ये भावना सिर्फ मूल निवासी है, मूल निवासी है, मूल निवासी है, ये भावना हमारे अंदर में आ गई, उस दिन जाति का कीड़ा हमारे माइंड से खत्म हो जाएगा, कोई यादव, कोयरी, कुर्मी, धोबी, गवार, बढ़ई, तेली, कोई नाई नहीं रहेगा, कोई मुसलमानों में भी बैकवर्ड, कोई बैकवर्ड में भी कई सारे बैकवर्ड मुसलमानों में जातियाँ हैं, ओबीसी के मुसलमानों में धोबी है, मलहा है, वगैरह वगैरह, कसाई है, वो कोई दर्जी है, कोई सारी जातियाँ देश में नहीं रहेगी, हम मूल निवासी के नाम पर संगठित होंगे, और जैसे ही मूल निवासी के नाम पर हम संगठित होंगे ब्राह्मण कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? कि हम जाति संप्रदाय को छोड़ करके एक नई संकल्पना मूल निवासी संकल्पना के तहत यूनाइट होते हैं, तो हमारे अंतर्गत वो बड़े स्तर पर भाईचारा का निर्माण होगी, और जब भाईचारा होगा तो किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना जाति के आधार पर होगा, और ना ही ये दंगा फसाद समुदाय पर आधारित होगा, और ना ही दंगा ये फसाद जो होगा वो संप्रदाय आधारित नहीं होगा। तो मैं इसी विषय पर अपनी बात रखते हुए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद, जय हिंद, जय मूल निवासी।